नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज टू ब्लॉक्स ए ऑफ मास टू के जी एंड ब्लॉक बी ऑफ मास फाइव के जी रेस्ट ओवर वन ओवर द अदर ऑन अ स्मूथ हॉरिजोंटल सर्फेस तो ये पहले वाली सर्फेस आपकी स्मूथ है द कोविशन ऑफ स्ट्रैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी सेम अपने को फ्रिक्शन कोविशन दे रखा है पॉइंट सिक्स मैक्सिमम हॉरिजोंटल फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाईड टू बी इन ऑर्डर दैट बोथ एंड भी डो नोट है मोशन या फिर इसको हम कहते हैं दे गोट टूगैदर तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी ना कभी भी जब भी हम फ्रिक्शन का इसको जैसे हम थ्योरी में हमने कवर किया हुआ है पहले तो मैं कलर का ऑल एक्ट ऑले जैसे कि हमने थ्योरी में कवर किया हुआ है कि कभी भी फ्रिक्शन के सवाल करने हों तो आपका जो पहला स्टेप होता है वो हो गया आप एफ एस मैक्मम की वैल्यू कैलकुलेट uh, करें तो एफ एस मैक्मम वन ए और बी के बीच में जो आएगा वो आएगा आपका म्यू एन आ, और एन की वैल्यू यहाँ पे एम हो जाएगी सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई एम उसका दे रखा है टू मल्टीप्लाइड बाई टेन तो ये हो गया आपका बारह न्यूटन सो बारह न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आपका फ्रिक्शन है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है एफ एस मैक्सीम टू जो आएगा उसकी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी फॉर द सिंपल रीज़न कि यहाँ पे आपका म्यू का कोविशन जो है उसकी वैल्यू जीरो है स्मूथ टेबल है ना लेटर्स अज्यूम दोनों uh, एक ही एक्सलेशन से साथ मूव कर रहे हैं तो उस केस में हम लिखेंगे जो आपका अगर इसका एफ बी बनाएं तो इस केस में आपका एफ बी जो बनेगा uh, उस केस में जो आपका एक्सेलेशन हो जाएगा वो होएगा आपका एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास दोनों का मिला के सो नेट फोर्स हो गया आपका एफ और डिवाइडेड बाय uh, जो आपका uh, मास आएगा uh, दोनों का मास मिला के कितना है टू प्लस 5. टू प्लस फाइव तो ये हो गया एक्सलेशन आपका एफ बाय सेवन है तो अगर आपका दोनों साथ चल रहे हैं तो ये आपका मैक्सिमम एक्सलेशन पॉसिबल है यहाँ पे ना जो आपका ए ब्लॉक है अब इस ए ब्लॉक को यहाँ पे अच्छे से समझते हैं मैं आपको समझाता हूँ इसमें आ, क्या कहानी हो रही है तो so, जो आपका ये ए ब्लॉक है इसको ध्यान से देखना काफ़ी लोग इस पर कई बार कन्फ्यूज रहते हैं जो ए ब्लॉक है ये अगर बी के साथ जाएगा आपका फ्रिक्शन सॉरी आपका एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में तो हम ये कर हैं ए एक्सलेशन आपका इस डायरेक्शन में होगा दोनों का तो अगर ए ब्लॉक आगे जाएगा तो उसको ले जाने वाला फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है जैसे जुड़े हुए उसकी वजह से ब्लॉक ए बी के साथ आगे मूव करेगा न जब भी आगे मूव करेगा अगर हम इसके फ्रेम में देखें तो इसके पीछे आपका एक फोर्स लग रहा होगा एम ए ना जो इसका अपना मास है मल्टीप्लाइड बाय जो आपका एक्सेशन है ना अगर इन दोनों को साथ चलना है अगर हम चाहते हैं कि ए ब्लॉक आपका सेपरेट uh, मूव uh, ना करें तो हम ये कहेंगे एफ जो है uh, उसकी वैल्यू देट शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्सीम वन और यहाँ पे एफ़ की वैल्यू एम ए के आप बराबर लिख देंगे सो एम ए शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्सीम वन इसकी वैल्यू हमें पता है एम जो है इसका मास है आपका टू के जी मल्टीप्लाइड बाय जो आपका ए है एक्सलेशन वो हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज़ एफ बाय सेवन शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम वन उसकी वैल्यू आपकी ट्वेल्व ऑलरेडी आ चुकी है सो so ये हो जाएगा ट्वेल्व नाउ इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं एफ़ जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई सेवन डिवाइडेड बाय टू तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल भी इक्वल टू 42 न्यूटन आपका ये टू कैंसिल हो जाएगा 12 से सिक्स सेवनटी सिक्स सेवन जैसे फोर्टी टू न्यूटन ये आपकी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है इससे ज़्यादा अगर फोर्स हुआ तो दोनों ब्लॉक फिर अलग अलग मूव करेंगे दे विल नॉट गो टुगेदर दे विल स्लिप और दे विल हैव रिलेटिव मोशन ठीक है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर वन फोर्टी न्यूटन वुड बी द राइट आंसर